आज काल्विन हॉस्पिटल में आयुष्मान योजना कार्ड बनाया जा रहा है। यह आयुष्मान योजना कार्ड सिविल डिफेंस के सहयोग से पूरे उत्तर प्रदेश में घर घर जाकर बारकोड दिया जाता है और कार्ड बनवाने के लिए सरकारी हॉस्पिटल में भेजा जाता है और यहाँ कार्ड बनाया जाता है जिसमें सिविल डिफेंस क्या है मोहम्मद याकूब असाओं व उनकी टीम अपने अपने क्षेत्रों में लगी हुई है। यह आयुष्मान भारत योजना कार्ड ओंकार नाथ शर्मा डिप्टी कंट्रोलर और चीफ वार्डन अनिल कुमार गुप्ता डिप्टी चीफ सादिक हुसैन व सरदार अजीत सिंह के नेतृत्व में सिविल डिफेंस की टीम नगर स्तर पर कार्य कर रही है। चौक डिवीज़न अपने डिवीज़न वार्डन सुधीर कुमार सक्सेना के साथ कार्यक्रम को सफल बनाया गया। वार्ड नंबर 74 का हमको लिस्ट मिली थी, उसमें लगभग 700 के आसपास उसमें लोगों का बनना था, जिसमें से लगभग 550-600 के लगभग लोगों का जो है कार्ड बन चुका है और कुछ जो थोड़े बहुत जो बचे हैं उनको सबको सूचना दे दी गई है और ये सूचना देने के कार्य पूरी तरह से हो चुका है। अभी तक आपके बहादुरगंज से लेकर चौक तक में कितने लोग आपके साथ काम कर चुके हैं? हमारे साथ में हमारे सेक्टर वाले परवेज अंसारी, परवेज अहमद और शकील अहमद और भी लोगों ने हमारे साथ सहयोग किया है, असद कुरैशी साहब जो है और भी लोगों ने मतलब इसमें हम लोग को सहयोग किया है। हमारे सेक्टर वाले हिमलेश है और क्या नाम है रवि प्रवीण और भी लोगों ने जो और सबसे बड़ा योगदान हमारे जो है बनाने के लिए कार्ड को बनाने के लिए सोनू साहब जो है उन्होंने आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए हम लोग को मतलब जिन लोगों को भी भेजा है उनका पूरा पूरा सहयोग किया। अगर हमको जो थोड़ी बहुत कमियां भी रह गई थी तो भी उन्होंने उसको जो है सुधार करके उनको बनाने का कार्य किया। हम उसके लिए उसको बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने हम लोग की जो कमियों को जो भी दूर किया और जन जन तक जो कार्ड पहुँचाने की सरकार की जो योजना थी उसमें उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है और मैं उनको पुनः बधाई देना चाहता हूँ। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की एक हेल्थ स्कीम है उसके अंतर्गत गरीबों को सहायता करने के लिए कार्ड बनवाने का काम सिविल डिफेंस के द्वारा इलाहाबाद में करा जा रहा है। चौक प्रखंड के अंदर 14 वार्डों का हम लोग को काम दिया गया है जिसमें से करीब 8 से 9 वार्डों का काम करीब करीब पूरा हो गया है। करीब करीब 3000 कार्ड चौक में हमारे कॉल्विन हॉस्पिटल, डफरिन हॉस्पिटल और स्वरूप रानी हॉस्पिटल से और उसके साथ ही साथ जो अलग यहाँ पे सर्विस सेंटर हैं उनके द्वारा करीब करीब बनवाए गए हैं और ये हम लोगों का एक अचीवमेंट है। बहुत सारे कार्ड आने वाले एक हफ्ते में बनेगा क्योंकि करीब करीब 8 वार्डों का जो काम पूरा हो गया है उसमें बहुत सारे लोगों ने अभी कार्ड बनवाए हैं और करीब आधे लोग अभी बनवाने की स्थिति में हैं और हमारे ख्याल से चौक का प्रखंड का काम अगले एक हफ्ते में 90% पूरा हो जाएगा। इसमें लगभग मतलब कि इलाहाबाद में या प्रयागराज में कितने लगभग मतलब कितने कार्ड अभी तक वहाँ पे जारी हुए हैं और सिविल डिफेंस की तरफ से पूरे एरिया में कहाँ कहाँ हैं? पूरे इलाहाबाद शहरी क्षेत्र में सिविल डिफेंस के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। जैसा कि काम हम लोग को दिया गया है कुल कार्डों की संख्या मैं बताने में असमर्थ हूँ लेकिन जो सिविल डिफेंस को कार्ड दिया गया है उसमें करीब करीब 2.25 लाख कार्ड लोगों को कॉन्टैक्ट करना था और जिसमें से करीब करीब हमारे ख्याल से 1.5 लाख से ऊपर लोगों को कॉन्टैक्ट सिविल डिफेंस अलग अलग क्षेत्रों में कर चुके हैं। अपना परिचय, मैं सुधीर कुमार सक्सेना डिविजनल वार्डन चौक सिविल डिफेंस इलाहाबाद।